हेलो दोस्तों, एल्कोहल फिनाइल ईथर की जो सीरीज चल रही थी उस पर मैंने एल्कोहल को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद मैंने बाय द वे फिनाइल की वीडियो डालना स्टार्ट किया और फिनाइल को पूरी तरह से रासायनिक गुण सहित कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा आज ईथर के बारे में, ईथर क्या होता है, क्योंकि जो है आपका चैप्टर है मिक्सअप चैप्टर है। इसमें एल्कोहल की अलग चर्चा मैंने की है और फिनाइल की अलग, और इसके बाद ईथर की अलग चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पर, वहाँ पर जाइए और आप इसे सारे वीडियो जो देख लीजिए। यदि आपने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो आपके 5 मार्क कहीं नहीं गए हैं, आपके 5 मार्क यहीं से मिल जाने वाले हैं। और मैं फॉर एग्जाम्पल मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वही वही करवाया हूँ, बाकी सब कुछ नहीं करवाया चूंकि आपके पास इतना समय नहीं बचा है। तो आइए देख लेते हैं, ट्रिकी माध्यम से बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम आज चर्चा करने वाले हैं ईथर की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईथर की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ईथर के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं ईथर की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे ही हम मान लेते हैं ये ऑक्सीजन है, क्या है दोस्तों, ये ऑक्सीजन है। यदि हम इस ऑक्सीजन के जो दो वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की दो संयोजकता होती है, इन दोनों संयोजकताओं से एल्किल समूह को जोड़ दें, इस ऑक्सीजन समूह में यदि हम एल्किल समूह को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा दोस्तों, ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। तो आपने ईथर की परिभाषा समझ ली कि यदि हम ऑक्सीजन की दो वैलेंसी में से दोनों तरफ एल्किल समूह को जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। ईथर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ईथर दो प्रकार का होता है, नंबर एक सममित ईथर और नंबर दो असममित ईथर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सममित ईथर क्या होता है और असममित ईथर क्या होता है। दोस्तों, सब कुछ यहीं पर याद हो जाएगा, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये एल्किल है और एल्किल का फार्मूला होता है CnH2n+1, और मेथ का मान जैसे ही आप इसमें 1 रखते हैं तो इसमें CH3 निकल आता है, और एथ का मान जैसे ही आप इसमें 2 रखते हैं तो C2H5 निकल आता है, जैसे ही आप प्रोप का मान इसमें 3 रखते हैं तो C3H7 निकल आता है। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, ये मेथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप हो गया। अब हमें एल्किल के ये सारे मान निकल कर आए। अब हम यदि इसमें इधर भी एल्किल का एक ही मान, जैसे मान लीजिए मेथिल का मान मैंने दोनों तरफ रख दिया तो CH3 और ये CH3 हो गया। तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो एल्किल समूह है वह समान है। क्या है, एल्किल समूह समान है, तो ये क्या कहलाएगा, सममित ईथर कहलाएगा। तो आप कह देंगे यदि एल्किल समूह में किसी भी मेथ या एथ किसी को एक को दोनों तरफ रख दिया जाता है तो सममित ईथर कहलाता है। यानी आप कह देंगे कि एल्किल यदि समान होते हैं तो वह सममित ईथर कहलाता है। अगर एल्किल भिन्न भिन्न होंगे, मान लीजिए इधर CH3 हो गया और इधर C2H5 हो गया, तो अब आपने क्या देखा कि इधर एल्किल जो हमारे हैं वह भिन्न भिन्न हो गए, तो यह क्या हो जाएगा, असममित ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, असममित ईथर कहलाएगा। तो आप इसकी सममित ईथर की परिभाषा लिखेंगे कि जब ऑक्सीजन परमाणु में, जब ऑक्सीजन में एल्किल समूह समान होते हैं तो यह सममित ईथर कहलाता है, और जब ऑक्सीजन में एल्किल समूह की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तो वह क्या कहलाता है, असममित ईथर कहलाता है। यदि ऑक्सीजन परमाणु में एल्किल दोस्तों क्या होगा, समान होगा तब सममित, और यदि ऑक्सीजन परमाणु में एल्किल भिन्न भिन्न होगा तो आप क्या कह देंगे, असममित ईथर। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आपके एग्जाम में 5 नंबर का देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो दोस्तों, डाई एथिल ईथर बनाने के लिए आप लिखेंगे इसमें डाई एथिल ईथर, जब प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को बनाया गया। मैं यहाँ पे एक आपको चित्र बनाऊंगा और सारे चीज़ें समझाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैं बता देता हूँ, जब लैब में आप जाएंगे वहाँ पर आपको एक गोल पेंदी वाला, जब इसे बनाया गया तो एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया गया, उस पर अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल C2H5 डाला गया। इसके बाद उस पर एक थीसिल कीप ऊपर लगाई गई, थीसिल कीप से H2SO4 की मात्रा डाली गई और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म किया गया। ऐसा करने से डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी जो थ्योरी है वो लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद आपसे बात करता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है और इसका IUPAC नेम क्या होता है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था डाई मीन्स होता है दो और एथिल का फार्मूला आप जानते हैं कि C2H5 होता है। और अभी अभी मैंने समझाया था कि जब दोनों क्या हो समान हो तो सममित ईथर कहलाता है। यहाँ पे डाई का मतलब है कि दोनों तरफ जो है ये लगा हुआ है एल्किल समूह ऑक्सीजन में तो वो समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5 और O और ये C2H5, यही तो मैंने इथर बताया था आपको। यहाँ पर मैंने C2H5 तभी ये कह दिया गया, ये दो है इसलिए डाई और ये एथिल का फार्मूला होता है। और जब आप ऑक्सीजन परिवार ऑक्सीजन समूह में दोनों एल्किल समूह को जोड़ देते हैं तो इथर कहलाता है। तो आप बोल देंगे इनकी वजह से डाई और ये हो गया एथिल, इसके बाद ये ओ से जुड़े हुए हैं दोनों बैलेंसी से तो ये हो गया इथर, तो बोल देंगे डाई एथिल इथर। अब इसके बाद यहाँ से इनका सूत्र क्या होता है, संरचनात्मक सूत्र ये हो गया, यही आपको यूज करना है अक्सर। परंतु यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो आपने देखा C2 और C2 मिलकर क्या हो गए C4, इसके बाद 5H 5H मिलकर क्या हो गए H10, और इसके बाद जो ये O बचा इसको यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया आपका अणुसूत्र। इसके बाद मैं यहाँ पे आपकी बात कर लेता हूँ कि इसका जो IUPAC नेम होता है वह क्या होता है, तो होता है एथॉक्सी, क्या होगा दोस्तों एथॉक्सी एथेन। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये तीनों पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब हम बनाएंगे C2H5 O C2H5, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डाई एथिल ईथर बनाने के लिए प्रयोगशाला में आप क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा लेंगे और सान रेस्टोरेशन 4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। परंतु ये रिएक्शन दो अटेम्प्ट पर होती है, पहले अटेम्प्ट पर क्या होगी देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें एथिल अल्कोहल लेना है, तो मैंने यहाँ पर C2H5 और OH ले लिया, और इसके बाद मुझे H2SO4 लेना है, तो मैं यहाँ से H2SO4 को लिख देता हूँ HO और SO4, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ H SO4, तो ये हो गया आपका H2SO4। ऐसा मैंने इसको क्यों लिखा अभी आपके भी समझ में आ जाने वाला है। तो सबसे पहले हम जब पहली बार रिएक्शन करेंगे तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके चेक करेंगे क्या होता है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे क्या, यहाँ से जो ये H SO4 है ये इस C2H5 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो बनेगा क्या C2H5। इसके बाद ये जो HSO4 है ये जा करके इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा HSO4। इसके बाद प्लस, मैंने इसे HO क्यों लिखा था अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो ये फार्मूला होता है H2SO4, यहाँ पर एक O एक्स्ट्रा हो गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे H इधर बना लेंगे, ताकि फार्मूला आप जानते हैं कि होता है H2SO4, मैंने स्ट्रक्चर ही लिखा था तो एक O एक्स्ट्रा हो गया था, पर कोई बात नहीं। यहाँ से हम देखेंगे HSO4 ये लग गया और ये एक H हमारे पास इसका बचा और ये OH बचा, तो ये जो H है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये आपस में क्या बना लेंगे H2O, तो ये हमारी जो फर्स्ट अटेम्प्ट की रिएक्शन होगी वह क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या बनाया C2H5 HSO4, आप इसे क्या बोलेंगे, ये आपका एथिल और ये एच है हाइड्रोजन और SO4 है सल्फेट, तो इसे आप बोल देंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपने जब एथिल अल्कोहल और H2SO4 से रिएक्शन करवाई 110 डिग्री सेंटीग्रेड की तक गर्म करके, तो आपने बनाया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब मैंने आपसे कहा था कि एथिल जो होता है आपका एथिल अल्कोहल उसकी अधिक मात्रा, यानी कि जब हम इसको बना लिया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें भी हम C2H5 HSO4 में फिर से हम यही मिला देंगे जो हमको अधिक मात्रा में क्या चाहिए था C2H5OH, तो यहीं से मैं मिला दे रहा हूँ C2H5OH। इसके बाद मैं इसको सीधे जितना टेम्परेचर हमें करना था 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से हम सीधे 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे। ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से C2H5 ये वाला और C2H5 ये वाला और ये वाला O, यहाँ से लिखेंगे हमारा फार्मूला होता है C2H5 और ये वाला O, तो ये O हो जाएगा। इसके बाद ये वाला C2H5 उधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये C2H5 हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों डाई एथिल ईथर, तो ये क्या बन गया हमारा डाई एथिल ईथर। इसके बाद हमारे पास बचा क्या उसे देख लेते हैं,
एच एस ओ फोर ये बचा, इसके बाद यहाँ पर हमारा एक एच ये है, तो ये एक एच मिलकर एच टू बना देगा, और ये सल्फेट हमारे पास बचा एस ओ फोर, तो ये पुनः एच टू एस ओ फोर बना देगा। तो अब दोस्तों आपने क्या देखा, मान लीजिए कोई गोल पेंदी वाला फ्लक्स था, अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो उस पर एच टू एस ओ फोर पुनः घूम के पहुँच जाता है, तो ओनली जब हम उसमें सी टू एच फाइव ओ एच डालते रहते हैं और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है, और हमको डाई एथिल ईथर बार बार प्राप्त होता रहता है। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ चित्र, और आपको चित्र के माध्यम से सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सेकेंड अटेम्प्ट की रिएक्शन थी, उम्मीद करूंगा ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको सी टू एच फाइव की ओ एच की अधिक मात्रा लेनी है, तो एक बार एच टू एस ओ फोर से रिएक्शन करवा देना है। फिर जैसे कि यहाँ पर आप इसका नाम लिख लीजिएगा फार्मूला का, ये एथिल है और ये हाइड्रोजन है और ये सल्फेट है, तो इसे आप बोल देंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और इधर ये एच टू एस ओ फोर सान सल्फ्यूरिक अम्ल और ये एथिल अल्कोहल। तो यहाँ से इन सभी को लिख लेना, और ये सी टू एच फाइव ओ सी टू डाई एथिल ईथर जो हमको बनाना था। अब मैं बना लेता हूँ चित्र, फिर इसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों मैंने इसके प्रयोगशाला में बनाने की जो विधि का चित्र होता है उसे बना दिया है, और आप इसे आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। अब मैं इसमें समझाता हूँ किस प्रकार से इसकी क्रिया विधि होती है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से सी टू एच फाइव ओ एच इस बिंदुगामी कीप की सहायता से डालते हैं इस गोल पेंदी वाले फ्लक्स में, और इसके नीचे हमने तेल ऊष्मक भर के रखा है, और इसी पर हम इस गोल पेंदी वाले फ्लक्स को रख देते हैं, और नीचे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से ये इसकी डाई एथिल ईथर की वाष्प मुक्त होती है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे ही हम गर्म कर देते हैं, और वह वाष्प सीधे वाष्प संघनित्र में जाती है, और वाष्प संघनित्र का काम कर क्या होता है, जैसे यहाँ से वाष्प जाती है तो उसे ठंडा कर देता है, क्या कर देता है, ठंडा कर देता है और ड्राई पात्र में भेज देता है। तो यहाँ से सिंपल सा आपको जो परिभाषा बनेगी, इसको रटते नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा में यहाँ से आपको बता दूंगा इसकी थ्योरी कैसे आप लिख पाएंगे। तो यहाँ से आप सबसे पहले लिखेंगे कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर प्राप्त करने के लिए हम एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं, उसमें सी टू एच फाइव यानी एथिल अल्कोहल और एच टू एस ओ फोर भर लेते हैं, इसके बाद उसे तेल उष्मक में रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जब आप इधर भी लिख सकते हैं, जब आपको यदि बहुत बड़ी थ्योरी लिखनी है तो लिख सकते हैं, जब हम बर्नर की सहायता से 100 डिग्री और 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में गर्म करते हैं तो C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर हम उसे एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं, तो ऐसा करने से एथिल क्या होता है, इधर से डाई एथिल ईथर की वाष्प मुक्त होती है और वह वाष्प संघनित्र में पहुंच जाती है। तो यहाँ से आपको सिंपल सी परिभाषा कैसे बनानी है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप कहेंगे एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में C2H5 और H2SO4 भरकर तेल ऊष्मक में रखकर उसे बर्नर की सहायता से 100 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। ऐसा करने से C2H5HSO4 यानी कि इसे बोल देते हैं आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। बने हुए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर C2H5OH के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या करने से दोस्तों, ऐसा करने से डाई एथिल ईथर की वाष्प मुक्त होती है। आप इसे कह सकते हैं इसका ताप का पता लगाने के लिए आप इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, आप इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने थर्मामीटर अच्छा नहीं बनाया, आप यहाँ पे थर्मामीटर लगा देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हुआ या 110 या 140। तो जब आप इसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं तो ऐसा करने से डाई एथिल ईथर की वाष्प मुक्त होती है, और उस वाष्प को वाष्प संघनित्र में भेजा जाता है। वाष्प संघनित्र उसे वाष्पित करके ग्राही पात्र में भेज देता है, और ग्राही पात्र में पहले से बर्फ और जल होता है। बर्फ और जल क्यों होता है, क्योंकि इसका जो क्वथनांक होता है वह बहुत कम होता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि इसकी जो थ्योरी है वो आपके समझ में आ गई होगी। आपको कहना क्या है, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और H2SO4 को लेकर 100 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। ऐसा करने से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाता है, मैंने रिएक्शन में भी बताया था। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, तो क्या गर्म करने से वही प्रक्रिया होती है डाई एथिल। लेकिन सर्वप्रथम जो आपको लिखना है तो यही लिखना है, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में
C2H5OH और H2SO4 भरकर तेल उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ये एक आपकी थ्योरी हो गई। इसके बाद बर्नर की सहायता से कितना गर्म करते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तक गर्म कर देते हैं। जब इतना गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल के साथ मिलाकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है, इसकी एक वाष्प मुक्त होती है जो कि वाष्प संघनित्र में भेजी जाती है। वाष्प संघनित्र का कार्य होता है उसको ठंडा करके ग्राही पात्र में भेज देना। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इसकी जो थ्योरी है वो आपके समझ में आ चुकी होगी। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में इसी के रासायनिक और भौतिक गुणों को लेकर के।